नमस्कार, स्वागत है आपका टिंज भारत में और मैं आपके साथ शिमला से अनिल पुआर हूँ। इस वक्त की बड़ी अपडेट लेकर आप लोगों के बीच में लाइव हुआ है और बड़ी अपडेट ये है कि क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीते करीबन डेढ़ महीने से कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर अब बवाल मचा हुआ है और जिस जगह से ये पूरे प्रदेश के अंदर बवाल शुरू हुआ था, इस वक्त हम शिमला के संजौली में मौजूद हैं और आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से मस्जिद कमेटी ने नगर निगम कोर्ट में हिस्सा है उसको हटाने को लिखकर दिया, किसे बीते 5 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट ने ऊपरी 3 मंजिले गिराने के जो आदेश वो पारित किए थे, तो उसके बाद अब जो है वो मस्जिद कमेटी ने आज से इस मस्जिद के अवैध हिस्से को जो है वो गिराने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यही वो हिस्सा है जिसको लेकर पूरे प्रदेश और देश भर में बवाल मचा हुआ था। तो मस्जिद कमेटी जिस तरीके से नगर निगम कोर्ट के फैसले आने के बाद मस्जिद कमेटी ने जो वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वो जमीन का वो दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक है, तो ऐसे में जो मस्जिद कमेटी है उनकी तरफ से जो है वो वक्फ बोर्ड से जो परमिशन मांगी गई थी कि जिस तरीके से उन्होंने लिखित में दिया है, तो ऐसे में कोर्ट का जो फैसला है उसके अनुरूप उन्हें जो है वो इसको गिराने की अनुमति दी जाए। जो मैंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था उनका ऑर्डर मुझे आज रिसीव हो गया और जैसे हमने कहा था भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, हम उस पर कायम है और हम जल्दी ही शायद हो सकता है आज ही काम शुरू करते हैं। लेबर से बातचीत ही है और जैसे ही लेबर वाले आ जाएंगे हो सकता है हम आज ही छत खोलना शुरू कर देंगे। कोर्ट में जाने के लिए तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई जाए ना जाए उसको तो हम नहीं कह सकते और हमने तो जो हमारा स्टैंड था हम उस पर कायम है और वक्फ बोर्ड ने परमिशन भी हमें अलाउ कर दी और हम जो है जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। अभी कितनी मंजिल है तो आपने अभी है? अभी आज हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे और हमने लेबर से बात कर ली और लेबर भी आने वाली है और हम छत खुलवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे हमारे हम तो अपने खुद परसों जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी। इस वक्त की हम आपको जो है वो बड़ी अपडेट ये दे रहे हैं कि आज से छत जो शुरुआत है उसके खुलने से जो है वो अवैध मस्जिद का जो अवैध ढांचा है उसको गिराने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले हमने आपको यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ है उनसे जब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मजदूरों के पहुँचने का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद जो है वो हटाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो अब आप तस्वीरों में दो लोग यहाँ पर जो नज़र आ रहे होंगे वो आपको बता देते थे कि वो जो मस्जिद है उसकी छत पर है और छत से जो है वो हटाने का कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले जो है छत को जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और उसके बाद पूरे हिस्से को जो है वो हटाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है और ऊपरी 3 मंजिलों को हटाने के आदेश जो है वो नगर निगम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आए हैं कि जो 3 मंजिलें हैं उनको हटाया जाए। तो ऐसे में आज से हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। पूरा वो हिस्सा है जिस पूरे प्रदेश भर के अंदर जिस तरीके से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ यहीं से जो है वो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और आज यहाँ पर बड़ा जो फैसला है वो नगर निगम कोर्ट के आने के बाद जो है वो मस्जिद कमेटी ने लिया है और हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड से परमिशन ली और आज से उन्होंने जब हटाने का कार्य शुरू किया तो उससे पहले जो जिला प्रशासन है SP शिमला है उनको इसकी सूचना जो है वो उन्होंने दी है कि वो जो है वो आज हटाने का कार्य यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर है उनको जो है वो इसके विषय में जानकारी दे दी गई है। तो फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही, बाकी तमाम ताज़तरीन अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ। राजधानी शिमला से टिंज भारत के लिए अनिल पवार की रिपोर्ट।